आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म के हैं, आप किस तरह इस बयान को देखते हैं? हमारे MLC जो बयान दे रहे हैं उनके बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने अपनी बात को कह दिया है, उस पर अब हमको अलग से टिप्पणी करना उचित। आपका क्या कहना है उस बयान पर? हमसे एक ये सवाल क्यों नहीं पूछे कि आप पुरुष हैं कि नहीं है? आपने हमसे ये सवाल क्यों नहीं? आप पुरुष हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मुझको अलग से सर्टिफिकेट। अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं, हम फिर अपनी बात, टिप्पणी करने वाला मुसलमान नहीं है। और आज की तरह क्या क्या बताएं? मैं राणा सिंह रतनपुरा सचिव बन करके पहली बार आया हूँ इस समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और हमारे जनपद के सभी नेता मिल करके हमका स्वागत किए हैं और अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित किए। घोष जीतने के बाद क्या कहेंगे आप? घोषी की जीत इस देश को, इस समाज को और विशेषकर उत्तर प्रदेश को एक नई राह दिखाई है, जहाँ जातिवाद धर्मवाद का अवसान प्रारंभ हो गया है, इतना ही कहना। लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी दिख रहे हैं आप? लोकसभा का चुनाव अगर घोषी की तरह हुआ तो हर जगह समाजवादी इंडिया जीतेगी। 2024 को लेकर क्या तैयारियां चल रही? कार्यकर्ताओं में अब जोश भर गए हैं, लगातार फारूक 6-7 भरने की बातें कर रहे हैं, क्या अभी आपने सुना हमारे अध्यक्ष जी को? उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच जा करके उनके उनको उत्साहित करना, उनको ऊर्जावान बनाना, हम लोग फिलहाल इसी काम में लगने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर है। चुनाव के दरमियान एक व्यक्ति जो है कि DM मऊ को टिप्पणी करते हुए धमकी दी थी, आज वो पता चला कि वो सपा का कार्यकर्ता भी निकल गया, जिसे आज गिरफ्तार किया गया। क्या एक चीज आप निश्चित रूप से नोट करें, किसी भी बड़े अधिकारी को, DM हो, SP हो, CO हो, SO हो, कोतवाल हो, देश का प्रधानमंत्री हो और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का काम अगर कोई कर सकता है, और कुछ है नहीं है, वह समाजवादी विचारधारा का जरूर ही होगा। विधुड़ी के बयान को लेकर क्या कहते हैं आप? विधुड़ी का जिस तरह के विधुड़ी जैसे लोगों के बयान पर चर्चा करके ऐसे लोगों का भाव बढ़ाना मुझे उचित नहीं लग रहा है। ऐसे लोगों को प्रतिबंध ऐसा लगना चाहिए कि जिंदगी में कभी कुछ न लड़ पाए। आपके पार्टी के MLC लगातार राम जेठमलानी पर चुनाव का पीरियड था, उस समय हम लोग हमारे उड़ान जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जुबान से, ढंग से, शहूर से, चाल से, चमन से, जबान से शायद आम लोगों के मन में क्रोध बनना प्रारंभ हुआ है, अब प्रारंभ हुआ है। उसकी शुरुआत आप घोषी से देख रहे हैं, उसकी शुरुआत जालौन बाराबंकी से देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग जो जातियों के नाम पर राजनीति की दुकान खोल करके चला रहे हैं, एक आध दुकान तो लग रहा है कि बंद हो गई, और एक दुकान आप महसूस करेंगे, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एक बड़ा नाम था और शायद एक कहीं MLA मिला, एक जो कोई भी इस रास्ते को टच करेगा उसकी यही गति होगी, इस बात को याद जरूर करें। हम तो 1975 में 77-78 में हम लोग कुमरिया को हुए, और पहली बार मैंने चंद्रशेखर जी को नजदीक से देखा, मन के अंदर एक पिपासा पैदा हुआ, पढ़ने वाला लड़का चलाया इस लाइन, और तब से दिमाग समाजवादी हो गया। आज पूरे देश में एक ही समाजवादी दुकान है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, जिसके कभी नेता हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव जी, उनके जाने के बाद जो भी हमारे संगठन का अध्यक्ष वो है, और संजोग अब जाके ठीक ये हुआ है कि आम लोगों ने भी अखिलेश जी को स्वीकार किया है, इसके पहले बहुत स्वीकृति नहीं थी, अब जाके स्वीकार किया। लेकिन ये हमारा राजनीतिक दल चल रहा है जिंदा, अब आगे काम उन लोगों का इस दल को जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मेरी अपनी समझ जो लोग गए होंगे पता होगा, हमको बड़ी दिक्कत महसूस हो रहा है। चुनाव हो रहा है भाई, आपको मंच पर
हम कोई भी कंडक्टर नहीं है कि राजीव गांधी चुनाव में मैंने किया है। अगर ये वातावरण बन रहा है तो ठीक नहीं, और ये कहने का काम कोई दूसरा करेगा नहीं। हमारे और चंद्रशेखर जैसे लोग और आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। ये राजनीतिक एक मामला 24 का जो मामला आप देख रहे हैं, तो पिछले वाले चुनाव में हम लोगों ने आपसे निवेदन किया, घोसी में सपा जी को चुनाव जीती थी, वो इस्तीफा दे दिया, फिर सपा जीत गई। घोसी लोकसभा में सपा ही ने चुनाव जीती है, चुनाव चिन्ह वो बसपा का रहा वो दूसरी बात, लेकिन चुनाव चिन्ह तो अरे चुनाव तो सपा ही जीती, वो लोकसभा भी हम लोगों का था, विधानसभा घोसी भी हम लोगों का था, फिर वही विधान लोकसभा रह जा, इसकी तैयारी हमको और आपको करनी है। पहले भी हम लोग बताए थे, आज भी उनकी ही बात बताना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के मन में नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ये चम्मचों का दल नहीं बनना चाहिए, भाजपा नहीं है। जो ये कहा उसको यस करो, आप उसको बंद कमरे में सच करवाने की कोशिश अपने गलती से करनी पड़ेगी, इनसे कहना पड़ा आप, लेकिन कमरे के बाहर जब बहस हो गई, एक बात फाइनल हो गई, तो उसके खिलाफ जुबान भी नहीं खोलनी चाहिए, ये अभी सौ रुपये के साथ रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी चालीस डिग्री सेल्सियस को स्लोगन दिमगवा रखा जाता है, वो एक स्लोगन छोड़े के आप हम और आप उसमें फंसते हैं, कब धुन करते हैं। अब तो दोनों दिन में वो छे बात फंस गए जो तुमको है ना, ये फंसाने वाले का बात बढ़ाते हैं। और कई बार हम लोगों ने इस बात को चर्चा कम से कम लोग जवानों में तो करते हैं, तो शुरू से करते हैं, शुरू से इस बात का देखिए, मानव दिमाग बड़ा तेज है, अपना काम निकालने के लिए कौन सी भाषा कहाँ लगा देगा उसका कोई ठिकाना नहीं, और उसको मजाक में नहीं, पूरे गंभीरता से इस बात को मैं कहता हूँ। माँ केवल माँ होती है भाई, चाहे ठाकुर की माँ हो, हिंदू मुसलमान की हो, अरे गैया की भी माँ अपने बच्चे को पैदा कर रही है, दुनिया में इससे बड़ा कोई दर्द होता ही नहीं। लेकिन ये इंसान का दिमाग देखो ना कैसे बदला, आप यादव के बेटा हो गए, मैं ठाकुर का बेटा, रमजान ने कब से बदला, कि बड़ा दिमाग का इसका तेज एवरेस्ट की जो